जल्दी द्वेष भाव खत्म होगा, निगेटिविटी खत्म होगा, उतनी ही जल्दी ये आध्यात्मिक उपलब्धियां होने लगती है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, क्या बोलूं गुरु जी, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इस आध्यात्मिक के बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। जब शुरू से बचपन से पैदा हुए तो मेरी सिस्टर थी, उनके साथ हम मंदिर जाते थे और घर में थोड़ा बहुत पूजा करते थे। तो सुना था भी ऐसे होता है, लेकिन कभी अनुभव नहीं हुआ किसी बात का भी। तो बाद में 20 साल हो गए मेरे को फ्रांस में गए हुए, तो उधर तो काम ही किया है, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से कुछ घट रहा था मेरे साथ। लग रहा था भी क्या हम काम करने के लिए आए हुए इधर, तो थोड़ा थोड़ा माइंड अध्यात्मक की तौर जा रहा था। तो जो इसमें मेरी जो वाइफ है उनका योगदान बहुत है, वो 1 साल से आपका वीडियो देख रहे हैं और थोड़ी बहुत ही बातें मेरे साथ शेयर करते थे। तो लेकिन मेरे को नहीं लगता था, कुछ ही विश्वास है इतना नहीं था भी, ऐसे भी होता है सच में। मैं जो भी क्या आपके साथ क्या हुआ जब वहाँ पे आपको शक्तिपात की गई? हाँ जी, तो आप जानबूझकर हाथ पर पटक रहे थे या आज भी, या क्या हुई वो थोड़ा शेयर करेंगे क्या? किस क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? मुझे मालूम नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कोई शक्ति मेरे अंदर है, वो ऐसे मेरे को खींच रही है, खींच के नीचे पटक रही है, और हाथ में कोई वाइब्रेशन आ रही है। मैं तो एक दिन से एक तकरीबन इधर ही बैठा हूँ आराम से, तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल शाम को ऐसा थोड़ा वाइब्रेशन बॉडी में हुआ मेरे। और जब मैंने थोड़ा ध्यान लगाया परमात्मा की ओर, तो आज सुबह तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था भी मेरे अंदर कुछ चीज़ है जो मेरे को खींच रही है अपनी तरफ। आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल अपने आप सब चीज़ें हो रही थी। हाँ, मेरे हाथ आपके ऊपर था वो पता चला था आपको? हाँ, जब आपने रखा उसके बाद धीरे 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 हाँ स्टार्ट हो गया, उसके बाद अपने आप सब हो गया था। हाँ, जो भी हुआ अपने आप सब कुछ हुआ। जानबूझ के मेरे को ऐसे उतार डालने को बोलेगा तो मैं नहीं उठाऊंगा। और भी यहाँ पे बैठे हैं साधक, ऐसे अगर बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ तो लॉजिकल साधक होंगे ही, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, क्योंकि आप और हम जानते हैं आपकी अनुभूति। ये तो विश्वास की बात है, मैंने आपको बोला था गुरुजी मैंने आप पे विश्वास कर लिया है। हमारे पंजाबी लोग ऐसे ही होते हैं, जब किसी पे विश्वास कर लेते हैं तो उसी पे छोड़ देते हैं, तो हमने भी आप पे छोड़ दिया। आप जहाँ ऊपर ले जाना ऊपर ले जाएं, जहाँ ले जाना आप ले जाएं, तो हम आपके साथ ही आपके चरणों में रहेंगे। अभी कैसा लग रहा है ये माइंड, कैसा है, पूरा ब्लैंक हो गया है? हाँ बिल्कुल, जो भी बातें हैं माइंड से धीरे धीरे निकल रही है, सारा कुछ फ्रेश हो रहा है। थोड़ा सा जैसे दौड़ लगा हुआ था बिजनेस का, काम का, थोड़ा सा ठहराव लग रहा है इस पर। ठीक है, पास में आ जाइए। ऊपर बैठ जाइए। ठीक है, एक बार मेरे तरफ देखिए। ये बहुत पहले से जर्नी स्टार्ट थी, अचानक से कुछ नहीं होती है। अभी आप जाएंगे ना, तो थोड़ा समय निकालना, 15-20 मिनट अकेले रहने के लिए कोशिश करना, ना भी निकले तो 5 मिनट भी। बहुत जल्द आपको अनाहत नाद भी सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। ठीक है, बस अपना आशीर्वाद रखना गुरु जी। आशीर्वाद हो गया है। ठीक है, अब आगे
पूरे निरोध हो जाएगा धीरे धीरे। मैं तो गुरु जी, मेरी जो वाइफ है इधर ही बैठी हुई है कमलेश, उसी के साथ आया था, उसी का मन था भाई मैंने गुरु जी से मिलना है, और मैंने बोला भी जैसे भी है आपको गुरु जी से हम मिलेंगे जाकर, तो उनकी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। मेरा इस जर्नी के बारे में तो पता ही नहीं था, मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी साधकों को कुछ कहना चाहते हैं खड़े होकर इधर से, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतने कहना चाहता हूँ गुरु जी, एक बार खड़े हो जाइए, बस मैं इतना ही चाहना चाहता हूँ गुरु जी, सब आप गुरु जी पे विश्वास रखिए, वो जहाँ आपको जाना है वहीं लेकर जाएंगे, बस इतना ही कहूँगा। अच्छा, आज आप हाथ पैर ऐसे से हो रहा था, वो भी अपने आप हो रहा था? नहीं, आपके बच्चे देख रहे थे? बच्चे मेरे और डर भी रहे थे? हाँ, बच्चे डर गए थे, पापा को क्या क्या उछल रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हाँ, मेरा बेटा घर में जाकर बोल रहा है पापा तुम वाइब्रेट क्यों कर रहे थे। मैंने बोला भी पता नहीं, मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं है। उनकी कुंडलनी शक्ति काली जल रही थी, लेकिन अभी भी क्लिंजिंग हीलिंग चलता है ना, इसीलिए कभी कभी किसी साधकों का सब होता है इस तरीके से। घर में होते रहेगा, अभी आपके साथ करीबन 6 महीना तक बीच बीच में कभी कभी ऐसे ऐसे होगा, तो आप लोग डरना वरना मत। क्लिंजिंग हो रहा है, प्यूरिफिकेशन कुछ कुछ चलते रहता है, तो बाद में धीरे धीरे आराम से बंद हो जाएगा। अभी भी बहुत वाइब्रेशन है बॉडी में। अच्छा, अंदर कंपन भी है थोड़ा थोड़ा? हाँ, कंपन भी है, कल से भी कंपन। हाँ, थोड़ा अंदर अंदर कम भी रहे हैं। हाँ जी, कल ज्यादा था? कल थोड़ा कम था, आज ज्यादा हो गया। आज ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है। अभी कोई टेंशन एंग्जाइटी दिमाग में है क्या? कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली हो गया, खाली हो गया सर, शांति। कुछ दिमाग में कोई बात नहीं आ रही, दिमाग में कुछ बात ही नहीं है? नहीं। आपको मतलब बहुत जल्दी ही ऊंची छलांग मिली है, ठीक है, आप जरूरत पड़े तो बीच बीच में मुझसे बात कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।